Hi guys, welcome back to Palak Notes. मेरा नाम पलक मिट्टा है, मैं एक जर्मन बेस्ड सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो है विटामिन डी के ऊपर। आप कहोगे पलक को क्या हो गया, आज से 5 साल पहले भी विटामिन डी की बात करी थी, आज भी विटामिन डी की बात कर रही है। नहीं गाइज, नई रिसर्च आती रहती है। पहले हम बच्चों को कैल्शियम सैंडोज देते थे, हम खुद कैल्शियम की गोली खाते थे, फिर आई रिसर्च, नहीं आपको विटामिन डी देनी है, कैल्शियम की जो गोली है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ब्लड प्रेशर क्रिएट कर सकती है। फिर रिसर्च आई विटामिन डी एंड के टू साथ में देनी है। आज की रिसर्च थोड़ी डिफरेंट है, वो ये है कि अगर आप विटामिन डी की गोली ले रहे हो फिर भी क्या धूप सेकना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। आज के वीडियो में वही बात करूंगी और कुछ हिडन सिम्टम्स बताऊंगी विटामिन डी डेफिशिएंसी के। मैंने हिडन सिम्टम्स की क्यों बात करी, अभी सैटरडे को 9 बजे जब मैंने बातचीत शो लिया, मेरे शो पे मैं रैंडम गेस्ट को बुलाती हूँ, उसमें एक लेडी ने अपने बच्चे को दिखाया, उसके यहाँ पे जख्म है, हील नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया बच्चे के सर पे स्वेटिंग बहुत होती है, वूंड्स का हील ना होना, ज्यादा सर पे स्वेटिंग होना, पूरे शरीर में थके रहना, बैठ के जब उठते हो इस तरीके से बैलेंस खराब होना, बोन्स एंड मसल्स में पेन होना, आपको बार बार इन्फेक्शन होना। यस गाइस, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ने जब पेशेंट्स जिनको कोरोना हुआ था उन पेशेंट्स का विटामिन डी टेस्ट किया, 82.2% पेशेंट्स उनका विटामिन डी कम था। डायरेक्ट रिलेशन है विटामिन डी लेवल्स का एंड इन्फेक्शन का। लास्ट हिडन सिम्टम ये है, विटामिन डी डेफिशिएंसी के पेशेंट्स को डिमेंशिया अल्जाइमर्स होने के जो चांसेस हैं वो 2.5 गुना ज्यादा है। एक और रिसर्च जो कि मैंने ग्रास न्यूट्रिएंट्स जनरल में पढ़ी है वो ये है कि अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, आपकी रिक्वायरमेंट जो विटामिन डी की है वो 2.5 टाइम्स बढ़ जाती है। अब मैं आती हूँ मुद्दे की बात पे, सन एक्सपोजर। जब कोरोना का टाइम आया मैं अक्सर अपने फंक्शनल डॉक्टर्स को पूछती थी कि मैं क्या राय दूं। फंक्शनल डॉक्टर्स वो होते हैं जो रूट कॉज पे जाते हैं, एक ही चीज बोलनी शुरू कर दी। अमेरिका में भी, इंडिया में, पलक जिनको वैक्सीनेशन लगी है, जिनको इन्फेक्शन हुई है, उनको मेलाटोनिन दो। मैं रही रिसर्च फ्री, मैंने कहा अभी मैं मेलाटोनिन दे देती हूँ। मैंने अपनी मॉम को भी मेलाटोनिन दी थी, उनको भी कोरोना हुआ था क्योंकि वो वॉलंटियर एक कोरोना के पेशेंट के साथ 2 दिन तक उनकी सेवा कर रही थी। एनीवेज, मुझे मेरी माँ की इम्यूनिटी पता थी तो मैंने कहा माँ अगर आपका दिल कहता है कर लो, बट मैंने उनको मेलाटोनिन दी थी डॉक्टर के कहने पे। आज मेरे पास रिसर्च है, मैं अपना प्रोडक्ट मेलाटोनिन जो स्लीप वेल में वो नहीं रिकमेंड कर रही हूँ, उसकी जगह मैं आपको सन एक्सपोजर रिकमेंड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट आपके ऊपर पड़ती है उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक है विजिबल लाइट, आप देख सकते हो, एक है हीट। ये हीट क्या है? ये हीट है नियर इंफ्रारेड रेज, ये आपकी बॉडी में बहुत डीप पेनिट्रेट करते हैं एंड साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस जैसी एक चीज को एक्टिवेट करते हैं। जब ये साइटोक्रोम एक्टिवेट हो जाता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल्स के अंदर मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। अब आप कहोगे पलक मेलाटोनिन और कोरोना का क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा टाइम लूंगी। आपके शरीर के अंदर एक प्री ऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2, इसकी हम शॉर्ट फॉर्म रख लेते हैं AG2। ये क्या है? प्रो ऑक्सीडेंट, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कोरोना के टाइम जितनी भी मोर्टैलिटी हुई थी मोस्टली ब्लड क्लॉट्स के कारण हुई थी, ये ब्लड क्लॉट करता है। आपकी बॉडी एक एंजाइम बनाती है, वो एंजाइम AG2 को AG17 में कन्वर्ट करता है। जो AG17 है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब आपकी बॉडी में 2 कम होना चाहिए, 7 ज्यादा होना चाहिए। अब कोरोना वायरस क्या करता था, उस एंजाइम को पकड़ लेता था जो कि ये कन्वर्जन करता था, और पेशेंट्स की बॉडी में 2 बढ़ने लगता था, 7 नीचे जाने लगता था, जिसके कारण मोर्टैलिटी होती थी। मेलाटोनिन क्या करती है, इस वायरस को, एंजाइम को पकड़ने से बचाती है। इसीलिए फंक्शनल डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जिनको वायरस हो गया है, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया, क्योंकि वैक्सीनेशन क्या है, वो भी तो माइल्ड वायरस ही आपके अंदर डाला है, वो लोग एटलीस्ट 1-1.5 साल तक मेलाटोनिन लेंगे। इसका मतलब नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ मेरा प्रोडक्ट लो, आप सन रेज लो। मैंने मम्मी को सन रेज इसलिए नहीं लेने देती हूँ और मम्मी को मेलाटोनिन इसलिए देती हूँ बिकॉज माई मॉम इज वेरी सेंसिटिव टू सन रेज,
उनको हाइपर पिगमेंटेशन बहुत जल्दी होता है, उनकी नेक पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है. सो आई गिव मेलाटोनिन टू माय मामा, बट मुझे रोज रोज देना पड़ता है. वो ऊपर से मेलाटोनिन है, बट अगर आप सन रेज लेते हो मॉर्निंग के टाइम 10 मिनट, बहुत बहुत पतला कपड़ा पहन के, तो आपके शरीर में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ती है. इसके अलावा मेलाटोनिन पार्किंसन से बचाता है, अल्जाइमर से बचाता है, हार्ट डिजीज से बचाता है, टाइप 2 डायबिटीज से बचाता है एंड कैंसर से बचाता है. बट आपको कहोगे पलक मुझे हुआ था वायरस, अब नहीं है. वायरस अंदर ही रहता है एंड तभी कुछ लोगों को 2 बार हुआ है एंड कई बार वैक्सीनेशन से डाला हुआ वायरस एग्रीवेट हो जाता है. सो यू हैव टू बूस्ट योर मेलाटोनिन प्रोडक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, विटामिन डी एंड मेलाटोनिन इन दिस वायरस टाइम. तो वीडियो के एंड में आ रही हूं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था अगर आप विटामिन डी की गोली लेते हो और ये सोचते हो कि आपको सन रेज की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बहुत जरूरत है स्पेशली इस टाइम पे. आई होप ये वीडियो यूजफुल था. मैं इसी तरीके से नई रिसर्च लेके आती रहूंगी. मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है. कमेंट मुझे बताओ कैसा लगा एंड डू शेयर. थैंक यू सो मच. बाय बाय.